फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी आई वाई बाई सि में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती दूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए ये वाली डिज़ाइन जो है जो काफ़ी सुंदर है और इसे भी मैंने अपने चैनल पे पहले से डाल रखा है तो आज इस डिज़ाइन को मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊँगी फंदे डालने के साथ मैंने इस डिजाइन को बताया है लेकिन मैंने इसमें कुछ कलियाँ बना ली थी उसके बाद मैंने आपको सेम इसी में बताया था लेकिन आज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई में फंदे डालने के साथ आपको ये डिज़ाइन बताऊँगी ठीक है और काफ़ी सुंदर से डिजाइन है आप इसे अपने हिसाब से कितने भी बड़े फंदों में बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए आपको टू के मल्टीपल फंदे सिलाई में जो है डालनी होगी और नौ नंबर की जो है सलाई को यूज करना होगा अगर आप ऊन से बना रहे हैं नॉर्मल से वर्धमान के ऊन से ठीक है और बाकी आप इसे चाहो तो पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो इसके लिए भी आपको दो कलर की साड़ी चाहिए होगी अगर चुन्नी है तो दो कलर की चुन्नी भी चाहिए होगी इससे ये कंप्लीट होगा माइक्रोम से भी बनाइए बहुत ही सुंदर लगता है अगर आप डोरमेड बना रहे हो तो काफ़ी ही प्यारा बन के आएगा और साड़ियों से तो कम फंदों में भी अच्छा बन के आएगा कम फंदे इन द सेंस कि आप कम से कम पैंतीस चालीस फंदे तो रखिए ही है ना तब जाकर के एक अच्छे से डोलमेट के उसमें रूप में आ जाएगा ऊन से अगर उनसे बना रहे हो तो आपको ज्यादा फंदा रखना होगा क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बन पाता है है ना फंदों के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि उन पतले होते हैं और साड़ी जो होती है थोड़े मोटे उसमें आ जाती है और मोटे सिलाई से बनती है तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ उसको बनाना इसको मैंने बताया है अपने चैनल पे सेम ये डिज़ाइन मैंने अट्ठाइस फंदों में बताया लेकिन आज मैं आपको ये बत्तीस फंदों में बनाना बताऊंगी और फंदे भी फ्रेंड्स आपको इसमें ऐसे रखने कि जिनको हाफ करने पर भी टू के मल्टीपल ही हो जैसे कि मैंने इसको अट्ठाईस फंदों में बनाया था तो चौदह और चौदह होता है अट्ठाईस तो ऐसे फंदे आपको रखने कि जिनको हम हाफ़ करें फंदों को तो भी दो के जोड़े में ही आए तो आज मैं बत्तीस से बनाऊंगी क्योंकि मैं बत्तीस को भी अगर हाफ़ करूंगी तो सोलह और सोलह दो के जोड़े में ही आ रहा है ठीक है तो चलिए मैं बत्तीस से आपको बना के दिखाती हूँ सेम यही वाली डिज़ाइन तो फ्रेंड्स इसको हम बनाएंगे दो कलर की ओल मैंने पिंक लिया है और एक ब्लू लिया है तो यहाँ पे जो पिंक है पिंक से ही लगाएंगे और ये वाला जो बेस हम बाहर वाली पत्ती बनी हुई है हमारी इसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बनाऊंगी ठीक है तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को लाइक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई में हम सबसे पहले जो है अपने फंदे डालेंगे तो फंदे जो है बत्तीस फंदे डालने जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल टो टो बत्तीस से हम इसे बनाएंगे तो सबसे तो पहले हम यहाँ पर सिलाई में एक नोट लगा लेंगे ये देखिए ऐसे करने के साथ ही इसमें अब हम डालेंगे अपने बत्तीस फंदे सिंपल सा फंदे जैसे हम डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डालना है दो तीन चार पाँच छ सात आठ ऐसे करते हो फ्रेंड चलिए हम बत्तीस फंदे जो है पिंक कलर से डाल लेते हैं तो फ्रेंड देखिए सिलाई में जो टोटल हमने यहाँ पे बत्तीस फंदे अपने डाल रखे हैं तो ये काफ़ी लाइट कलर है पिंक कलर लेकिन चलिए आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको दिखा रही हूँ तो चलिए देखिए बत्तीस फंदे हमने डाल लिए तो एक सिलाई जो हमें है ऐसे सिंपल सिंपल सा बनाना है जो जैसे है बिल्कुल वैसे ही करके बनाएंगे इसको ठीक है ये देखिए जो जैसे है उसको वैसे बना लेंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसको फंसा लेंगे तो यहाँ पर टोटल बत्तीस फंदे में डाल लिया आप चाहो तो और भी बड़ा बना सकते हो चालीस फंदे भी डाल सकते हो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप हाफ़ करो तो वो दो के जोड़े में ही आए ठीक है तब आपका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल ही सही बनेगा उसमें गड़बड़ी आ ही नहीं सकती है और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए फ्रेंड्स आप लोग तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा इसमें हमें पूरे डिज़ाइन को उल्टा उल्टा ही बनाना है ठीक है उल्टा उल्टा पूरा बना करके कंप्लीट करना है पूरी सिलाई को लास्ट तक बना लेना है ये देखिए हमने यहाँ तक पूरा बना लिया ठीक है और अब देखिए अब क्या करना है देखिए यहाँ तक हो गया हमारा ठीक है तो देखिए फ्रेंड्स हो गया एक सिलाई अब देखिए यहाँ से क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा अब हमें यहाँ से देखिए क्या करना है ये देखिए एक दो दो फंदा जो ये है हम इसको ऐसे ही बिना बुने स्लिप करा लेंगे ठीक है एक सिलाई फंदा डालने के बाद एक सिलाई में पूरा बना लेना है उसके बाद दो फंदे हम यहाँ से स्लिप करा लेंगे बिना बुने उतार लेना है मतलब कि हमें ठीक है तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे डिजाइन को बनाया जा रहा है आप बना लोगे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है यहाँ पे बहुत ही आसान है ये देखिए अब क्या करना है इस साइड ये देखिए अब दो फंदे हम इधर से भी छोड़ देंगे ठीक है दो फंदे हमने यहाँ से स्लिप करा लिए बिना बुने उतार लिया था और दो फंदे हम यहाँ से छोड़ देंगे और यहीं से वापस हो जाएंगे ठीक है और यहीं से फिर से बना लेंगे आप चाहो तो फंदों को उतार भी सकते हो ये वाला नहीं तो फिर बना लीजिए मैं बना के दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन में फंदों को उतार लिया था तो मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर उनका कमेंट आए थे कि फंदा उतारना समझ में नहीं आ रहा क्या है तो ठीक है आप मत उतारिए मैं बिना उतारे ही आपको इसमें बता रही हूँ मतलब फंदों को बना के ही ठीक है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी आप बनाइए डिज़ाइन काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है ये अब देखिए दो फंदे हमने उस बार यहाँ से स्लिप कराया था अब दो फंदे हम यहाँ से इसको छोड़ देंगे फिर यहीं से वापस हो जाएंगे ठीक है अब ये देखिए फिर से यहाँ पर बना लेंगे तो इसमें हमें क्या करना है ना फ्रेंड्स कि हमें हर बार दो दो फंदे छोड़ते जाना है ठीक है दोनों साइड से फंदे जो है इसमें फ्रेंड्स छूटेंगे यहाँ पे ये देखिए यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर से हम ये दो फंदे देखिए फिर से हमने इधर से छोड़ दिए फिर यहाँ से वापस हो जाएंगे और फिर यहाँ से बना लेंगे ठीक है इसमें हमें दोनों साइड से फंदों को छोड़ना है ठीक है ऐसे ही फंदे छोड़ते हुए हम बीच में आ जाएंगे जब हमारे पास चार छः ऐसे करके फंदे बचेंगे है ना बाकी बहुत ही आसान है ये बना ये आप भी जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो पूरा देखिए तभी आपको अच्छा समझ में भी आएगा क्योंकि वीडियो के मतलब आपको मैं बताती रहती हूँ जब डिज़ाइन को तो मैं बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो बताती रहती हूँ आप लोगों से ये देखिए अब फिर से यहाँ पे दो फंदे हमने छोड़ दिए ठीक है ये देखिए यहाँ पे हमारे छः फंदे छूट गए और यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे ये दो और दो चार है अभी इधर से आएंगे तो फिर ये दो छूट जाएंगे ठीक है दो फंदे इधर छोड़े फिर इधर से वापस और फिर इधर से बना लेंगे तो ऐसे ही करना है फ्रेंड्स हमें दोनों साइड से फंदों को जो है दो दो करके छोड़ते रहना है इधर से भी इधर से भी ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे छोड़ लेते हैं कुछ फंदे बीच में हमारे पास छः फंदे बचते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से दो दो करके ये फंदे छोड़ लिए और इधर से ये देखिए दो दो फंदे छूट गए और बीच में देखिए दो दो चार दो छः छः फंदे हैं हमारे पास ठीक है तो ये देखिए दो फंदे यहाँ पर छोड़ दिया हमने और यहीं से फिर हो जाएंगे वापस ठीक अब देखिए यहाँ से बना लेते हैं दो तीन चार दो फंदे फिर से यहाँ पे ये छोड़ दिए ठीक है फिर यहाँ से वापस एक दो ये दो फंदा हमने फिर से यहाँ पे छोड़ दिए अब दो फंदे यहाँ पे बना लिए अब देखिए कितने कितने फंदे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यानी सोलह फंदे इधर हैं हमारे और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सोलह फंदे यहाँ भी हैं तो अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास सोलह और सोलह दोनों साइड हमारे पास बराबर फंदे हो गए हाफ हाफ़ है ना और दोनों साइड दो दो करके फंदे छूट गए तो ये देखिए अभी हमने ये वाला फंदा छोड़ा तो अब हम यहाँ से वापस होंगे ठीक है वापस होने के साथ ही देखिए अब क्या करना है मैं बताती हूँ ये और ये बनाया हमने और दो फंदा अब हम यहाँ से लेंगे ठीक है अब हमें दो दो फंदा अपना लेना है तो ठीक है जैसे हमने छोड़ा है वैसे लेना है अब तो गैप ज़्यादा है तो एक फंदा यहाँ से उठा करके यहाँ पर दो का एक कर देंगे ये यह देखिए यहाँ पर बना लिया फिर इधर से वापस हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार ये चार फंदे हो गए दो तो फंदा ये वाला लेना है तो फिर से यहाँ पे गैप है तो एक फंदा उठा के पहले गैप को हम कवर करेंगे ये देखिए एक दो दो फंदा उतार लिया फिर यहाँ से हो जाएंगे वापस और यहाँ से फिर से तो अब जैसे हमने दो दो फंदे छोड़े थे दोनों साइड से अब वैसे ही हमें दो दो करके फंदों को ले लेना है अपना ये हो गया अब फिर से यहाँ पे एक फंदा ऐसे उठा लेंगे और ये दो फंदा लेना है तो यहाँ पे दो का एक कर देंगे ये देखिए हो गया फिर ऐसे वापस और यहाँ से ऐसे बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन है फ्रेंड्स दो दो फंदा छोड़ना है उसके बाद फिर दो, दो दो फंदा लेना है अपना ठीक है और गैप को ज़रूर भर लीजिए एक फंदा उठा करके क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगी जाली आ जाएगी ठीक है तो ये देखिए ऐसे हो गया फिर इधर आएंगे मतलब कि दोनों साइड से उठाना है फंदों को दोनों साइड से जैसे हमने छोड़ा था वैसे दोनों साइड से उठाना भी है, दो दो करके देखिए फिर से दो फंदा लेना है तो यहाँ से एक फंदा उठा के दो का एक कर देते हैं और ये ठीक है इधर वापस एक मिनट हमारा फंदा जरा सा गिर गया यहाँ पे ऐसे करते हुए फंदों को उतार लेना है आपको ठीक है ये देखिए गैप को भरने के लिए एक फंदा उठा के दो का एक कर देना है ठीक है फिर इधर वापस होंगे और फिर सीधा से दो फंदा ऐसे ऐसे करके तो फ्रेंड्स ऐसे बारी बारी से दो दो फंदा उतारते जाना है और यहाँ पे ये यह थोड़ा सा ऐसे कटोरी टाइप का बनेगा जिससे तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत कि आपका डिज़ाइन जो है गड़बड़ हो रहा है ये ऐसे बनेगा ये थोड़ा सा उठा हुआ बनेगा लेकिन जब ये वाली पत्ती बन जाएगी तो अपने आप सही हो जाएगा देखिए इसमें कहीं भी आपको कोई भी झोल और फिर सिकुडन सा नहीं दिख रहा है है ना तो जब ये पत्ती बनेगी येलो वाला जब हम बनाएंगे तो ये अपने आप ये सही हो जाएगा ठीक है अभी ये ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ आएगा तो चलिए दो दो करके उतार लेते तो लास्ट में जब इधर से भी दो और इधर से भी दो बचेगा तो आपको दिखा क्या करना है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने बना लिया और ये यह देखिए यहां पे हमारे पास अभी दो फंदे बचे हैं और यहाँ पे देखिए अभी चार फंदे हैं है ना और ये यह देखिए यहाँ पे फंदों को उतारते हुए हमने इतना बना लिया ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा ये देखिए एक मिनट सॉरी तो यहाँ पे देखिए ये दो फंदे हैं और इधर पे चार फंदे हैं अभी ये दो फंदे हम यहाँ से दो फंदे उतार लिए तो दो बचे हैं हमारे पास अभी इधर हम आएंगे तो यहाँ से भी दो उतार लेंगे ठीक है तो चलिए देखिए अब यहाँ से वापस जाएंगे आपको दो दो करके बस उतारना है दोनों साइड सीखिए आप बस ध्यान रख करके बनाइएगा ये देखिए अब यहाँ से फिर से एक फंदा उठा के ये जो चार बचे थे इसमें से दो फंदे ले लेते हैं अपने ये देखिए दो फंदा ले लिया दो फंदा यहाँ बचा है फिर यहाँ से वापस अभी देखिए यहाँ पे दो फंदे बचे हैं हमारे ठीक है अब इधर चलेंगे हम बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया की कीजिए आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर किया की कीजिए ये देखिए अब यहाँ पर दो फंदे देखिए बचे हैं इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे और दो फंदे ये वाले बना लेंगे ठीक है ये देखिए इधर वाले फंदे उतर गए और यहाँ पर हमारे अभी भी दो फंदे हैं है, है ना ये वाले अभी दो फंदे उतारने हैं इधर वाले तो अब इधर चल के वो वाले दो फंदे भी हम उतार लेते हैं तो यहाँ से देखिए इसको उतार लेंगे और ये बना लेंगे बहुत ही इसी टाइप की कई डिजाइनें हैं लेकिन सब कुछ ना कुछ अलग है सब है ना पत्तियों वाली बहुत सारी डिज़ाइन मैंने अपने चैनल पे बना रखी है अभी इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने डाली वो भी ऐसी है लेकिन डिज़ाइन चेंज है यहाँ पे ये यह ऐसे नहीं बनता है ना तो सब डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी चेंज है सब एक जैसी ही नहीं है आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फर्क है सब डिज़ाइनों में अलग अलग है देखने में एक है लेकिन कुछ ना कुछ सब में चेंज है अब ये देखिए अभी लास्ट वाले दो फंदे बनाने हैं हमें तो यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा के दो कैक कर लेते हैं ये देखिए और ये बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे जो हैं फंदे उतर चुके हैं दो दो करते हुए देखिए सारे फंदों को हमने बना लिया बाकी ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था ना कटोरी से बन के आया का तो ये देखिए बन के आया बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फिर से हमारे जो है बत्तीस फंदे हो गए तो अब यहाँ से हम जो है अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे जैसा कि इसमें हमने पिंक के साथ येलो ऐड किया है तो अब यहाँ पर हम ब्लू ऐड करेंगे अपना ठीक है तो ये देखिए कैसे करना अब यहीं पर हम नॉट लगाएंगे इसी पिंक कलर में ही ऐसे करके नॉट लगा लेंगे ये देखिए यहाँ पर ठीक है यहीं से आपको जोड़ना है अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ से हम पहली सलाई से ही ये देखिए अब यहाँ से पिंक कलर सा का अब हमें काम नहीं पिंक कलर को इधर करेंगे और यहाँ से जो फंदों को है हम ब्लू से बनाएंगे ये देखिए दो तीन और कितने फंदे हम ब्लू से बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ हमारे बत्तीस फंदे हैं तो हम सोलह फंदे ब्लू से बनाएंगे तो एक दो तीन चार चार फंदे में बना लिए पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये देखिए सोलह फंदे हमने बना लिए ब्लू से ठीक है और सोलह फंदे ही हमारे यहाँ पे है तो ये वाले फंदे जो हैं ये फंदे यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है ये ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे जो सोलह फंदे हमने बनाए वो ब्लू से बना के यहीं से वापस हो जाएंगे ठीक है यहीं पर हमें फंदों को जो है हाफ अप करना है इसीलिए हमने आपसे कहा था फंदों को हाफ अप टू का मल्टीपल ही रखना है आपको ठीक अब देखिए यहीं से वापस हो जाएंगे तो यहाँ से फिर से हम सोलह फंदों को सीधी साइड से भी बना लेते हैं अब ये वाले सोलो फंदे से हमारा अभी कोई काम नहीं है इसका ठीक अब हम जो भी डिज़ाइन करेंगे ब्लू कलर में करेंगे और ब्लू कलर के धागे से करेंगे पिंक कलर के धागे का भी काम नहीं है लेकिन उसे कट नहीं करना है जो जहाँ है वैसे ही रहेगा ये देखिए अब ये वाला फंदा जो है देखिए इसको बना लेते हैं देखिए पहली बार में यहाँ पे उल्टा बनाएंगे ठीक है अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज देखिए अब क्या करना है पिंक धागे को यहीं पर रखना है हमें अब यहाँ से ये देखिए बनाएंगे दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह एक पंद्रह पंद्रह बनाया एक फंदा यहाँ पे जो ब्लू है इसको छोड़ देंगे ठीक है अब हमें ब्लू का एक एक फंदा छोड़ना है और यहीं से वापस हो जाएंगे ठीक अब हम यहाँ पे दो फंदे नहीं छोड़ेंगे अब हमें ब्लू कलर में ही एक एक करके फंदा छोड़ना है ठीक है एक एक करके हमें यहाँ पे सोलो फंदे छोड़ने होंगे और यहाँ पे देखिए अब हमें यहाँ पे जो ये वाला है इसको सीधा बनाना है तो ये ऊन को पीछे करके अब यहाँ वाला जो है ये वाला फंदा इसको सीधा बनाएंगे जिससे कि काफ़ी अच्छा सा है ये देखिए काफ़ी सफाई से चैन सा बन के आया है ना ये देखिए तो इसके लिए हम ऐसा सीधा करेंगे हर बार ठीक सीधी साइड से सीधा बनाएंगे उल्टी साइड से उतार लेंगे देखिए उतार लिया हमने इधर से क्योंकि हमने उधर से बनाया था इसलिए इधर से उतारेंगे उसको नहीं तो उल्टा आ जाएगा इधर बनाएंगे तो अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल है अब हमें यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाना है ठीक है कोई फंदा हम नहीं बढ़ाए बिना फंदा बढ़ाए ये डिज़ाइन ऊपर की ओर बन के आएगा ये आप ध्यान दीजिएगा को. कोई फंदा बिना बढ़ाए हम इसको बना रहे हैं देखिए अब यहाँ पर हम दूसरा फंदा छोड़ दें यहाँ से उसको बना लेंगे ठीक है इसमें फंदा नहीं बढ़ाना है बस जो जैसे है वैसे उतारते हुए बनाना है इसको बस एक एक फंदा आपको छोड़ना है नीचे से और ऊपर से जो जैसे है वैसे बना लेना है उल्टा सीधा सीधा एक किनारे का अभी फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको ये देखिए हो गया अब उनको करेंगे पीछे और ये वाला फंदा बनाएंगे सीधा ठीक है तो सीधे साइड से बनाएंगे उल्टे साइड से उतारेंगे ये देखिए हो गया अब फिर से यहाँ पे इसको उतार लेंगे उल्टे साइड से और यहाँ से बना लेंगे तो ऐसे करते फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो अपने हैं सोलह फंदे हैं हमारे टोटल तो चौदह फंदे हमें छोड़ने होंगे इसमें ठीक है दो फंदे नहीं छोड़ने होंगे चौदह फंदे तक हम छोड़ देंगे इसमें ये देखिए फिर से एक फंदा हमने पे छोड़ दिया और यहीं से वापस हो जाएंगे ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कम से कम कुछ बना लेती हूँ जो हमारे पास चार फंदे बचेंगे ब्लू के फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन में क्या चेंज करना बाकी आप भी ऐसे एक एक फंदा बस छोड़ना है और यहाँ से कुछ भी नहीं करना है बस सीधा बनाना है यहाँ फंदा बाकी फ़ंदा नहीं बढ़ाना कोई ठीक है बिना फ़ंदा बढ़ाए ही ये डिज़ाइन बनेगा तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक एक करके ये सारे फंदे यहाँ पे छोड़ लिए हमारे पास अभी ये चार फंदे जो हैं ब्लू के बचे हुए हैं ठीक है और ये देखिए काफ़ी सुंदर सा ये देखिए बिना कोई फंदे बढ़ाए ये यहाँ तक ऐसे ऊपर की ओर बन रहा है ये ठीक है अब चलिए देखिए चार फंदे बचे हुए हैं तो अभी भी हमें यहाँ पे ऐसे उतार लेना है और ये तीन तीन फंदे बना लिए एक फंदा फिर से ये छोड़ दिया फिर इधर से वापस इधर से बना लेंगे ठीक है ये देखिए ये हो गया फिर इधर आ जाएंगे इसको उतार लिया दो बनाया फिर से इसको छोड़ दिया फिर यहीं से वापस यहाँ से इसको इसको सीधा ठीक है ये सीधा ही बनाइएगा आप अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दो फंदे जो कि हैं यहाँ पे बचे हुए हैं ये वाले ब्लू वाले और बाकी यहाँ पे चौदह फंदे हमने दो दो के जोड़े में छोड़ दिए तो अब देखिए जब दो फंदे रहेंगे तो यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे जैसे अब हमने एक एक करके फंदों को छोड़ा है वैसे ही हम अपना एक एक फंदा लेते हुए चलेंगे और ये दो फंदे हम सब नहीं छोड़ेंगे दो फंदे रहने ही देंगे ठीक है अब ये देखिए यहाँ से उसको उतार लेंगे अभी भी कोई फंदा में घटाना नहीं है ठीक है बस दो दो एक एक करके फंदों को उतार लेना ये देखिए एक फंदा हमने उतार लिया तीन फंदे हो गए फिर इधर से वापस हो जाएंगे ये देखिए इसको सीधा बनाएंगे ये देखिए हो गया और फिर यहाँ पे इसको उतारेंगे तीन हो गया अब ये वाला फंदा लेंगे गैप ज़्यादा है तो एक फंदा ऐसा करके उठा लेते यहाँ पे सॉरी एक मिनट ये देखिए एक फंदा उठा लिया और दो का एक करते हुए ये देखिए यहाँ दो का एक कर लिया एक फंदा उतर भी गया और आ भी गए हम अपने इधर ठीक है तो यहाँ पे आपको गैप को भरने के लिए एक एक फंदा जो है उठाना होगा अगर आपका जाली नहीं आ रहा है कम आ रहा है तो आप को कोई बात नहीं ऐसे ही बना लीजिएगा आप ठीक है वो आपके जाली ऊपर डिपेंड करता है तो देखिए फिर से ये लोग उतार लिया हमने और ये देखिए अब हमें चार फंदे हैं अभी वाला फिर से उतारेंगे एक फंदा तो देखिए गैप ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ से एक फंदा फिर से उठा लेंगे और ये दो का एक कर लेंगे ठीक है ये देखिए हो गया यहीं से वापस हो जाएंगे यहाँ से बना लेंगे एक फंदा उठा करके आपको जाली को कवर करना होता है ठीक है और एक एक फंदा ही जैसे हमने छोड़ा है वैसे एक एक फंदा लेना है तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया फिर तो इधर आएंगे और फिर इधर से इसको उतार लेंगे तो अब देखिए दो तीन चार पाँच पाँच फंदे हो गए हैं हमारे पास और अभी और फंद छठवा फंदा उतारते हैं ये देखिए फिर से एक उठा लेंगे और ये जो फंदा में उतारना था उसी में दो का एक कर देंगे फिर यहीं से वापस हो जाएंगे तो ऐसे करते हुए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सारे फंदों को एक एक करके उतार लेना है ठीक है और यहाँ से कुछ नहीं करना बस सीधा सीधा बनाना है जैसे बनाते रहे थे वैसे ही ठीक है और एक, एक एक फंदा उतारते चलिए बस यहाँ से तो चलिए हम सारे फंदे उतार लेते हैं एक फंदा ब्लू को बचेगा फिर आपको बताएंगे आगे क्या करना है तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बना लिया सारे फंदों को हमने एक एक करके यहाँ से उतार लिया बस एक फंदा हमारे पास ये ब्लू का बचा हुआ है है ना और ये देखिए यहाँ से ऐसे बढ़ा हुआ दिख रहा है यहाँ से घटा हुआ दिख रहा है है ना ये देखिए सीधी साइड से मैं दिखा देती हूँ आपको ये देखिए तो काफ़ी ही सुंदर बना है अब एक फंदा ये देखिए बचा है तो इसको भी उतार लेते हैं सेम ऐसे ही होगा यहाँ से उतारते हुए बना लेंगे दो हो गया देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये लास्ट सोलह फंदा है यहाँ से एक उठा करके दो का एक कर देते हैं ये देखिए सोलह फंदे आ गए यहीं से फिर वापस ठीक है यहाँ से अब देखिए फिर से हम वापस हो जाएंगे जो जैसे है वैसे ही बना लेते हैं सीधे साइड से यहाँ तक बना लेते हैं पूरा तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे हमने बना लिए ब्लू वाले देखिए सारे फंदे हमारे आ चुके हैं ठीक है अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ पे हमारी ये जो पत्ती है ये वाली और ये पत्ती और ये कली ये कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा ठीक है ये देखिए अब क्या करना है अब हमारे पास आधा ब्लू आधा पिंक है तो अब यहाँ से हम फिर से अपना पिंक कलर लगाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक पत्ती यहाँ बननी है उसके बाद फिर यहीं से देखिए दूसरा शुरू हो रहा है ये वाला ठीक है तो अब देखिए अब यहाँ से जो है ब्लू को हम यहीं पे छोड़ देंगे उनको को यहाँ से जो हमारे पिंक यहाँ पे जॉइंट थे यहीं से हम ले आएंगे इसको ठीक है अगर आप चाहते तो बनाते हुए फंसा भी लेते लेकिन मैं नहीं मैंने नहीं फंसाया मैं डायरेक्ट लेकर आऊँगी बाद में आप सारे फंदों को ये सारे ऊन को कट करके एक दूसरे के साथ नॉट लगा दूँगी ये देखिए पीछे से हमारा ऐसा दिख रहा है कुछ ये ठीक है तो ये देखिए अब यहाँ से ढीला करते हुए ही लाएँगे ये देखिए एक बार उसको खींच लेंगे और ब्लू वाले को भी खींच लेते हैं ये देखिए ढीला रखना है आपको बिल्कुल बराबर खींचा हुआ ना हो ठीक है देखिए अब ब्लू उनको यहीं पे रहने देंगे जैसे हमने पिंक को छोड़ के रखा था वैसे ये ब्लू को छोड़ के रखेंगे यहीं पे और सारे फंदों को पिंक से बना लेंगे ये देखिए यहाँ तो बनाए अब यहाँ पे गैप है तो गैप के लिए हमें यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का जो फंदा है वो उठाना होगा ठीक है हम ब्लू कलर का फंदा उठाएंगे पिंक नहीं उठाएंगे ये देखिए हमने ब्लू लिया और पिंक के साथ दो का एक कर देंगे ये देखिए ठीक है अब बाकी अब सारे फंदों को हम पिंक से ही बना लेंगे ये देखिए पे आ गए और यहीं से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से पूरा पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे ठीक है एक सिलाई जैसा कि हमने आपको बताया था फंदा डालने के बाद जैसे हमने पूरा बनाया था एक सिलाई अब सेम वैसे ही फिर से है है ना इस लो यहाँ से हमने फंदा डाला था और इसी साइड से हमने यहाँ तक बनाया अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उल्टा उल्टा बना लेते हैं तो यहाँ पे ये यह देखिए फ्रेंड्स हमने बना लिया पूरा एक सलाई ये देखिए उल्टी उल्टी हम ऊपर तक आ गए पिंक वाला और अब फिर से वैसे ही हमें करना है जैसा कि हमने स्टार्टिंग से किया था है ना जैसे कि यहाँ पे दो फंदे हमने स्लिप करा लिए थे उसके बाद यहाँ से सारा बनाते हुए दो फंदे यहाँ पे छोड़ दिए थे है ना बिल्कुल स्टार्टिंग जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही करते हुए फिर से आपको यहीं से बनाना है दो फंदा यहाँ से स्लिप कराएंगे और दो फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे फिर इधर से आएंगे फिर दो फंदा यहाँ पे छोड़ते हुए बनाएंगे ठीक है पहली बार में बस स्लिप कराएंगे बाकी हर बार हम फिर दो दो फंदे दोनों साइड से छोड़ेंगे और ऐसे करते हुए फिर ये डिज़ाइन जो है कम्प्लीट होगी ये देखिए ये एक पत्ती बन गई सेम इसी के जैसे आपको बनाते हुए ये सारी पत्तियों कंप्लीट कर दो तो टोटल देखिए कितना बना हुआ है एक दो तीन चार पाँच छः सात सात पत्तियां बन के आई हैं तो मेरा सात बना आपका हो सकता है आठ भी बन सकता है ठीक है उससे कम नहीं आएगा जब तक ये राउंड ना हो जाए उसके बाद जब सब हो जाएगा तो आपको यहीं पर घटा देना है ठीक है या आपको पिंक कलर नहीं लगाना होगा जो जिस कलर से होगा उसी कलर से घटा सकते हैं या तो फिर एक सिलाई आपने जब पिंक यहां तक लगाया तो यहीं से यहां तक पूरा पिंक से ही घटा दीजिएगा उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो क्योंकि यहां पर पिंक लगा ही है फिर आप दोनों को यहां पर ऐसे ज्वाइंट करके सिल दीजिएगा ठीक है तो चलिए फ्रेंड वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अच्छी लगी लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बाय बाय